माई सेल्फ डॉक्टर राम बाबू त्रिपाठी आई एम वर्किंग एज एसोसिएट प्रोफेसर इन रामीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन ग्रेटर नोएडा टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ओरल कंटरशिप्टू एंड दिस इज़ द लेक्चर नंबर ऑफ पार्ट टू in previous lecture i have already discussed the some uh, steroidal oral contraceptive drugs uh, and the structure of the oral contraceptive drugs like uh, uh, levonorgestrels uh, norgestrels, and mifepristones and we have also discussed the what is the use of uh, uh, levonorgestrels norgestrels, and what is the use of mifepristones and in this lecture, uh, we are, uh, continue to the oral contraceptive uh, in which we include the non steroidal oral contraceptive drugs means uh, we have already discussed the steroidal oral contraceptive drugs and now uh, study the non steroidal oral contraceptive drugs and uh, along with the study the some adverse effects which are included in the steroidal, inter, uh, steroidal oral contraceptive. So, uh, what is the uh, difference between steroidal and non steroidal oral contraceptive that

तो आप स्टेरायड इसका कोई मतलब नहीं कि सारी स्टेरॉयड ड्रग कोलेस्ट्रॉल से डिराइव होंगे एक तो कोलेस्ट्रॉल लाइक न्यूक्लियस है तो इसीलिए हमने इसको बोल दिया इस्टेरायडियल ड्रग्स और जिसमें आपका वो स्टेरॉयड न्यूक्लियस आपसेंट होगा उसको हम बोलेंगे नॉन स्टेरायडियल ड्रग्स जो स्टोराइडियल ड्रग्स ओरल कंट्रासेप्टिव हैं वो भी सिंथेटिक्स हैं और जो नॉन स्टोराइडियल ओरल कंट्रासेप्टिव ड्रग्स हैं वो भी सिंथेटिक्स हैं तो ये आपके माइंड में बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि इसमें से कोई भी नेचुरल ड्रग्स है चाहे वो ओरल कंट्रासेप्टिव जो आप यूज कर रहे हैं वो भी आपकी स्टोरा स्टोराइडियल है तो वो भी सिंथेटिक्स है <णेल> और अगर आप नॉन स्टोराइडियल यूज कर रहे हैं तो वो भी आपके सिंथेटिक्स हैं बट डिफरेंस है आपका जो इनके इन दोनों के केमिकल स्ट्रक्चर पे और केमिकल स्ट्रक्चर के डिफरेंस के अलावा साथ साथ है आपका न्यूक्लियस का अगर स्टोराइड न्यूक्लियस प्रजेंट है तो हम उसको स्टोराइडियल ड्रग बोल देते हैं और जब इस्टोरॉयड न्यूक्लियस आपसेंट रहता है तो हम उसको बोल देते हैं नॉन स्टोराइडियल ड्रग्स क्लियर है तो व्हाट इज द इस लेक्चर में और, ओरल कंट्रासेप्टिव आपको बताया जा चुका है कि ओरल कंट्रासेप्टिव क्या है ओरल कंसेव इज द पिल्स हैं इसको दूसरा नाम है बर्थ कंट्रोल पिल भी बोलते हैं यानी वो टेबलेट्स या वो पिल्स जो आपके बर्थ को या प्रेगनेंसी को कंट्रोल करते हैं उसको हम बोलते हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स या ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो औरल सारे ओरल कंट्रासेप्टिव क्या बर्थ कंट्रोल करते हैं तो इसमें से ओरल कंट्रासेप्टिव में ही एक ड्रग है आपका मीफी पृस्टोन जो कि आपका प्रेग्नेंसी के बाद भी यूज होती है यानी वो आपका इमरजेंसी ओरल कंट्रासेप्टिव ड्रग्स हैं तो ये डिफरेंट है आपका मीफी पृस्टोन के साथ फिर नेक्स्ट वन है क्या स्टोरॉयडियल ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स में है और उनका क्या एडवर्स इफेक्ट है तो अभी इस लेक्चर में हम वो कुछ एडवर्स इफेक्ट हैं जो कि मेजर एडवर्स इफेक्ट हैं स्टोरॉयडियल ड्रग के वो पढ़ेंगे नॉन स्टेडियल ओरल कंट्रासेप्टिव है वो पढ़ना है और फिर हमको चूंकि आपके सिलेबस में ओरल कंट्रासेप्टिव दिया हुआ है डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया है कि फीमेल ओरल कंट्रसेप्टिव पढ़ना है या आपको मेल कंट्रासेप्टिव पढ़ना है तो हम कुछ ड्रग्स जो यूज करते हैं एज ए टेबलेट फॉर्म नॉट ए मैकेनिकल डिवाइस यानी मेल कंट्रासेप्टिव पिल्स में तो ओरल कंट्रासेप्टिव ड्रग्स में हम फीमेल की तो हम पढ़ ही रहे हैं फीमेल मोस्टली सब ज़्यादा फीमेल ही ओरल कंट्रासेप्टिव यूज होती है और मेल के केस में मैकेनिकल डिवाइसेस यूज होता है टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी बट कुछ ड्रग्स uh, होती हैं जो कि आप uh, यूज होंगे एज ए मेल कंट्रासेप्टिव में ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स आल्सो नोन एज द बर्थ कंट्रोल पिल्स मेडिकेशन है यूज करेंगे टेबलेट्स है माउथ फॉर्म ले लेंगे कुछ हमको ओरल कंट्रासेप्टिव ड्रग्स का कुछ मैकेनिजम्स है, uh, है ये क्या मैकेनिजम्स है ओरल लेंगे जब आप और सेंथेटिक प्रिपरेशन ये किसका प्रिपरेशन है ये है आपका से या आप प्रोजेस्ट्रॉन्स का ओरल कंट्रासेप्टिव कंट्रसेप्टिव बात चल रही है उसके बाद ये जो आप ओरल्स लेंगे तो इसमें हारमोन्स लेवल्स इंक्रीज करेगा हारमोन्स लेवल्स क्यों इंक्रीज करेगा क्योंकि आप बाहर से आप सिंथेटिक हारमोन्स ले रहे हैं यानी जो ड्रग आप ले रहे हैं स्ट्रोजन प्रोजेस्ट वो आप आउटसाइड से ले रहे हैं ना कि आप जो नेचुरली रहे हो तो जब आप ये बाहर से आप हारमोन्स लेवल हारमोन्स लें तो आपके बॉडी में जब हारमोन्स रिलीज हो जाएगा उसके वजह से निगेटिव फीडबैक इफेक्ट आएगा उसकी वजह से निगेटिव फीडबैक आएगा निगेटिव फीडबैक का मतलब ये होता है कि जो आपका जो नेचुरल से जो एफ एस जो सेक्स शार्मोस से रिलीज हो रहे थे उसके रिलीज को ये ब्लॉक करेगा तो जब चूंकि नेचुरल आपके सेक्स हारमोन्स से रिलीज नहीं होंगे उस प्रोमन्स में फीमेल्स में तो उस कंडीशन्स में जो एफ एस एच और एल एच है इसकी वजह से जो आपका गोनेडोट्रोफिन्स हारमोन्स है ये इनिविट हो जाएगा और इसके इनिविशन की वजह से जो ओवोल्यूशन्स है यानी जो ओवम बन रहे थे आपके फीमेल में वो आपका उसकी फ्रीकुन्सी उसकी इनिव, उसका इनिवेशंस हो जाएगा तो ओवरऑल जो मैकेजम क्शन है स्टेडियर कंटरसेप्टू का वो है आपका वो है। एक लाइन में अगर आपको लिखने के लिए कहा जाए तो दिस डिपेंड अपॉन द निगेटिव फीडबैक क्लियर है फीडबैक में यानी यानी ये उसी जो आप हारमोन्स ले रहे हैं ये उसी हारमोन्स के सेक्रेशंस को इनहिबिट कर रहा है या प्रिवेंट कर रहा है बहुत से मार्केटेड ड्रग्स हैं ठीक उसका अलग अलग कंपोजिशंस हैं जैसे सिंगल जो ओइस्ट्रो जो इस्ट्रोजन्स है इथाइनिल स्ट्रोड्रायलोल्स या मेजस्ट्रॉल के साथ जो यूज हो रहा है वो 20 टू तो 50 माइक्रोग्राम में है प्रोजेस्ट्रॉन के साथ जो यूज हो रहे हैं जैसे नॉर्गेस्टल है वो 5 टू तो 2 एम है डिफरेंट मार्केटेड ड्रग्स यूज हो रहे हैं जैसे मॉला डी है मालायन है दिस इज द मार्केट नाम है जो मालायन है वो 21 वन टेबलेट्स है जो मॉला डी है वो 28 एट टेबलेट्स है लेकिन आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पे सेवन टेबलेट का फेरस फ्यूम है यानी जो प्रेगनेंसी uh, के टाइम जो सॉरी जो मिनिस्ट्रियल साइकिल के टाइम पर जो आप टेबलेट ले रहे हैं वो जो आपके साथ जो सेवन टेबलेट हैं वो सेवन टेबलेट आपको लेनी है और वो टेबलेट आपकी एक आयरन की टेबलेट है जस्ट इफेक्ट इसके अलावा बहुत से ओवरऑल टेबलेट करके नाम ओवरऑल टेबलेट्स आती है ओवरऑल्स में आपका आ, जो ड्रग मिल जाते हैं वो भी आपका मार्केटेड नाम से आ रही है इसके अलावा अनवांटेड सेवेंटी टू आ रही है तो इस तरह करके कुछ आपको मार्केटेड ड्रग्स हैं जो कि आपकी ये आपकी स्टोराइडियल ओरल कंट्रासेप्टिव हैं कुछ साइड इफेक्ट आते हैं तो ये जो साइड इफेक्ट आते हैं ये साइड इफेक्ट आता है आपका इस्टोराइडियल ओरल कंट्रासेप्टिव जिसमें बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है वो कॉमन साइड इफेक्ट है कि कभी कभी स्पॉट बिटवीन जो पीरियड के टाइम पे कभी कभी ब्लड के क्लॉट आना शुरू हो जाते हैं तो जो क्लॉट्स आते हैं उस क्लॉट के वजह से जो आता है या स्पॉटिंग इस्पॉटिंग वजह से आती है उसको बोलते हैं आप वो एक एडवर्स इफेक्ट है वो एडवर्स इफेक्ट है आपका ओरल कंट्रासेप्टिव का इस ओरल कंट्रासेप्टिव को लेने की वजह से आपका कभी कभी क्या होता है ब्रेस्ट कैंसर की भी चांसेस बढ़ जाते हैं जैसे जैसे आ, कभी कभी स्टडी पाई गई कि कुछ बहुत कम परसेंटेज में है कभी कभी सबसे जो मेजर साइड इफ़ेक्ट आते हैं वो आपका वेट गेन होता है यानी अगर आप कोई लेडी कंटिन्यूस आपका ये ओरल कंट्रासेप्टिव ले रही है तो उसके साथ धीरे धीरे उसके जो वे, जो वेट है वो इम्प्रूव गेन होना यानी उसका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है कुछ टाइम पे कभी कभी कुछ स्टोराइडियल ड्रग्स की वजह से क्योंकि इसमें आपका एनजाइटी और मूड चेंज ये जो कुछ साइड सिम्टम्स हैं जो कि आपका ओरल कंटाश्टि में आते हैं और ये मेनली उन ओरल कंटासेप्टिव में आते हैं जो कि आपकी स्टोरयडियल ओरल कंटाश्टिव है इसी स्टोराइडियल ओरल कंट्रासेप्टिव के साइड इफेक्ट के होने की वजह से होने की वजह से अब क्या हुआ कि एक लेडीज का एक मूड चेंज हुआ कि अब हमको कुछ ऐसी ड्रग चाहिए जिसमें से ये सारे साइड इफेक्ट ना हों तो उसके लिए फिर मार्केट में जो नई ड्रग्स डिजाइनस की गई उसमें आपकी जो ड्रग्स आई है वो फिर आपकी है नॉन स्टराइडियल ओरल कंट्रासेप्टिव नाम यानी इस नॉन स्टोराडियल ओरल कंट्रासेप्टिव में अब आपके ये भी सिंथेटिक्स है लेकिन इसमें जो स्ट्रक्चर इस जब आप देखेंगे अभी अब इस ये स्लाइड में जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे इस वाले में तो इसमें कहीं भी आपका स्टेरायड न्यूक्लियस नहीं है अब आपका माइंड में आ रहा है तो स्टेरायड न्यूक्लियस है क्या तो स्टेरायड न्यूक्लियर है साइक्लोपिन साइक्लोपेंटेन फिनथ्रीन यानी जो आप जो स्टेरायड न्यूक्लियस जो साइक्लोपेंटेन और ऑफिनथ्रीन जो यानी जो तीन बेंजीन रिंग का जो अलग अटैचमेंट है और साथ में जो साइक्लोपेंटेन लगा देते हैं तो हम उसको बोलते हैं स्टेरायड न्यूक्लियस तो अगर वो चूँकि ये न्यूक्लियस इसमें नहीं था इसीलिए इस ड्रग को नाम पड़ गया आपका नॉन स्टेरायडल ड्रग्स क्लियर है तो ये जो स्टोरॉयडियल और नॉन स्टेरायडियल का जो क्लासिफिकेशन किया गया है ये उसके सिंथेसिस के बेसिस पर नहीं किया गया कि एक नेचुरल एफ सिंथेसिस सिंथेसिस है दोनों है, जो क्लासिफिकेशन का जो मेन बेस था वो था आपका इनके स्ट्रक्चर पे क्योंकि जो इससे पिछली पेशल, क्लासेस में जितने भी ओरल कंट्रासेप्टिव थे सभी में जो यूथ था उसमें न्यूक्लियस था इस वाली ड्रग्स में आपका स्टोर न्यूक्लियस नहीं है तो ड्रग कौन सी थी आपकी नॉन स्टोर ड्रग सेंट क्रोमन सेंट क्रोमन का जो दूसरे जो मार्केटेड जो नाम है इसका आता है ओर सेंट क्रोमन्स में और और मोलॉक्शन इसका मार्केटेड नाम से सेंट क्रोमन्स ड्रग जो ओरल कंट्रासेप्टिव है ये आपको बीक में एक बार लेनी है पहला डिफरेंस इस्टोराइडियल एंड इस्टोराइडियल्स में क्या डिफरेंस हो गया कि आप जो इस्टोराइडियल ओरल कंट्रासेप्टिव लेते थे वो आप पर डे लेते थे ठीक है पर डे आप स्टोर आइडियल पर डे एक टेबलेट लेते थे बीच में ला, लास्ट सेवन डेज ड्यूरिंग द मिनिस्ट्रियल साइकिल सातवें दिन आप सात सेवन डेज गैप रखते थे या तो उस सेवन डेज में आप किसी आयरन की टेबलेट या प्लेसिबो टेबलेट लेते थे सेंट क्रोमन का एडवांटेज ये हुआ कि अब इसमें आपको लेडी को वीकली एक टेबलेट लेना है ये एक एडवांटेज होगा क्यों एक टेबलेट लेना है? कि इसका जो हाफ लाइफ है ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि 168 आवर्स है तो इसका काफ़ी टाइम तक इसका इफेक्ट बना रहता है सेकेंड जो सेंट क्रोमन टेबलेट्स से, है ये टेबलेट डिजाइन बाय से, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लेबोरेटरी है लखनऊ में सीडीआरआई द्वारा डिस्कवर्ड की गई थी डिजाइन की गई थी और इस समय जो ये ड्रग मार्केट में आ रही है जो दो इसकी जो गवर्नमेंट तरफ भेज रही है गवर्नमेंट की तरफ से ये छाया नाम से आती है और जो प्राइवेट में जो नाम से आ रही है वो आपके सहेली नाम से आ रही है जो एच लाइफ केयर तिरुवंतपुरम से बन के आ रही है यानी अभी तक आपने जो टेबलेट उधर से पढ़ा था माला डी माला एनस ओ ये ये uh, ये जो सारी थी थी आपकी और ये जो छाया और सहेली है ये आपकी है तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो मार्केट में ड्रग्स चल रही हैं उसमें कौन से आपकी स्टोरॉयडियल्स हैं और कौन से आपकी नॉन हैं उसके अंदर अगर इस्टोरॉयडियल ड्रग्स होगी तो जो उसके अंदर साल्ट होगा ड्रग में वो या तो आपका प्रोजेस्टिन इस्ट्रोजन का डेरेवेटिव होंगे और प्रोजेस्टिन और स्टेस्ट्रोस्ट्रोजन के डेरेवेटिव में जो सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है वो आपका नॉर्गेस्टल्स या लिबो नॉर्गेस्टिल्स या मिफिप्रस्टोन्स होंगे लेकिन जो आपका नॉन स्टोरॉयडियल ड्रग्स जो मार्केट में है जैसे आपका उसमें होगा सेंट क्रोमन्स और सेंट क्रोमन में होगा आपका औरमोलॉक्सीफेंट मार्केट में जो ड्रग जो प्राइवेट कंपनियां बना रही हैं प्राइवेट कंपनी में से आपको जो आ, आ, यूज होगा वो आपका सहेली नाम से आ रही है लेकिन जो आपका सरकारी हॉस्पिटल्स में जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ओरल कंट्रसेप्टिव वो आपको छाया नाम से आ रही है तो ये डिफरेंस है आपका छाया और सहेली दोनों एक ही ड्रग है दोनों आपकी नॉन एक्स्टराइडियल ओरल कंट्रासेप्टिव ड्रग्स है दोनों में सेंट क्रोमन्स है और सेंट क्रोमन्स डिजाइन बाई या डिस्कवर्ड बाई सी लखनऊ तो ये डिफरेंस है आपका इस छाया और सहेली में स्ट्रक्चर अगर आप देखा जाए तो ऑर्मोलॉक्सी का जो स्ट्रक्चर है कॉमर्शियल जो अवेलेबल है वो वन इज टू वन द रेशियो ऑफ द मिक्सचर ऑफ टू ऑप्टिकल आइसोमर्स डी एल एल आइसोमर्स हैं ऑर्मोलॉक्सी के अब ये डी ओल एल आइसोमर्स हैं तो अगर आपको चूंकि जो न्यू पेटेंट ला है उस न्यू पेटेंट क्ला के हिसाब से आपको इस ड्रग को बताना पड़ेगा कि आप इसमें से कौन सा आइसोमर आप उसको एक्टिव फॉर्म है और कौन से आप इसको कैसे आप सेपरेट आउट करोगे तो जो इसका जो और का जो लिटरेचर में जो रिपोर्टेड है कि जो इसके आइसोमर को जो सेपरेट आउट किया गया वो सेपरेट आउट करने के लिए विद मेथड यूज किया गया एच पी मेथड यूज किया गया और जो इसमें सालवेंट यूज किया गया वो सालवेंट यूज किया गया हेक्सेन मिथेन मिथेनॉल एंड ट्राई का जिस रेशियो में आपने इस और को आपने सेपरेट आउट कर लिया तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हाउ यू सेपरेट आउट द आइशोमर्स तो आइशोमर्स को सेपरेट आउट का सबसे सिंपल मेथड है आपका एच मेथड से, जिस मेथड के थ्रू आप डिफरेंट आइशोमर्स को आप सेपरेट आउट कर सकते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसको सेपरेट आउट ही क्यों करोगे आप मार्केट में मिक्सचर फार्म में क्यों नहीं जा सकता तो अब न्यू पेटेंट लश के हिसाब से आपको ड्रग जो एक्टिव फॉर्म वाला आइसोमर से उस एक्टिव फॉर्म को बताना पड़ेगा कि ये वाला फॉर्म जो है वो आपका एक्टिव फॉर्म है सेंट क्रोमस नोवल नॉन स्टेरॉयडियल कंट्रासेप्टिव है दैट ऑकर्स यूनिक कम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स है बस पोटेंट एंटीओ स्ट्रोजोनिक एंड बीक एंटीओ प्रोजेस्टेनियल प्रॉपर्टी है इसका मतलब क्या है ड्रग जो है सेंट क्रोमिन जो है ये पोर्टेंट मतलब बहुत ही अच्छी ड्रग है पोर्टेंट ड्रग्स है एन जो इस्ट्रोजन्स हैं यानी जो फीमेल सक्स हार्मोन्स हैं उस इस्ट्रोजन्स को ब्लॉक करती है एंटी इस्ट्रोजेनिक एक्टिविटीज़ से करता है लेकिन जो प्रोजेस्ट्रॉन है प्रोजेस्ट्रॉन उसके लिए ये हार्मोन जो है वो बी का इफेक्टिविट इसके वजह से जो प्रोजेस्ट्रॉन को जो जो प्रोजेस्ट्रॉन को ब्लॉक होने की वजह से जो स्टेरॉइड में जो साइड इफेक्ट आ रहे थे वो सारे साइड इफेक्ट आपका सेंटक्रोमिन में नहीं आएंगे एक इसमें यह है कि जब आप ये सेंटक्रोमिन इसका लेने का जवाब दिया हुआ है इसमें लेने का तरीका यह दिया हुआ है इसको आपको बीक में जो स्टार्टिंग्स में जो होगा आपको फर्स्ट ट्राइमिस्टर जो है वन टेबलेट बीक लेना है लेकिन जो थ्री मंथ है फर्स्ट थ्री मंथ एक सप्ताह में आपको दो टेबलेट लेना है फिर से ले, जो आप इस्टोराइडियल ओरल कंट्रासेप्टिव लेते थे वो आप पर डे लेते थे चाहे वो आप 21 टेबलेट लेते थे या 28 एट टैबलेट लेते थे लेकिन नॉन इस्टेराडियल ड्रग्स नॉन इस्टराडियल ड्रग जिसमें आपका सेंट क्रोमन्स है जब आप नॉन इस्टराइडियल ड्रग लेंगे तो नॉन इस्टराइडियल ड्रग में आप लेने के लिए आपको जो ड्रग यू कर रहे हैं वो आप ले रहे हैं आपको वंस ए वीक यानी आप हफ्ता में एक सप्ताह में, में एक ही बार ले रहे हैं लेकिन ये जो सेंडक्रोमन है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी शुरू के जो तीन महीने हैं वो आपको सप्ताह में दो बार लेनी है और उसके बाद से इसको पर वीक जो है वो एक एक टेबलेट लेनी है तो यहाँ पर ये अक्सर अच्छा बुक में लिखा रहता हुआ है कि इसको बीक में एक ही बार लेना है लेना है बीक में एक बार लेकिन कब तीन महीने के बाद तीन महीने से पहले आपको फर्स्ट थ्री मंथ आपको हफ्ते में आपको उसको दो टेबलेट लेनी है आप हफ्ते में दो टेबलेट लेनी है इसका मतलब कि आपको किस दिन टेबलेट लेनी है तो आपको दो दिन के गैप पे आपको टेबलेट लेनी है मींस अगर आपने आपका पीरियड स्टार्ट हुआ मंडे को तो आप अगर आप इसको मंडे की स्टार्ट करते हैं तो मंडे, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले महीने तो पहले महीने आप मंडे ले लीजिए तो फिर ट्यूजडे को मत लीजिए फिर इसके बाद आप थर्सडे को लीजिए सपोज करिए कि किसी लेडी के मिस्टेरियल साइकिल स्टार्ट हो थर्सडे को स्टार्ट हो रहा है तो वो पहली टेबलेट थर्सडे को लेगी और थर्सडे के बाद लेने के बाद वो फ्राइडे और सैटरडे नहीं लेगी फिर वो संडे लेगी इस तरह करके आपको तीन महीने तक वो आपको हर वीक में दो बार लेनी है लेकिन इसके बाद तीन महीने के बाद आपको महीने में आपको मंथ में एक ही बार टेबलेट लेनी है इसलिए इस टेबलेट का जो पैक आता है वो एट टेवले, टेवले, एट टेबलेट पर पैक यानी एक जो स्ट्रिप आती है वो एट टेबलेट की आती है तो इसको लेने का तरीका क्योंकि जितनी भी बर्थ कंट्रोल फील है जो इनकी इफिकेसी है हंड्रेड परसेंट नहीं है नाइन्टी एट टू नाइन्टी नाइन परसेंट है लेकिन अगर आपने इसको आपने प्रॉपर तरीके से नहीं लिया प्रॉपर टाइम पे नहीं लिया तो इसकी इफ़ीसी आपकी वो इफिकेसी नहीं रहेगी जो इफिकेसी इसकी रिपोर्टेड है तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको स्टोराइडियल ड्रग है तब आप उसको कितने दिन लेना है स्टोराइडियल ड्रग में अगर आपको मिसिंग हो जाती है आपको क्या लेना है? तो आप डबल ले लें लेकिन को कंटिन्यू नहीं करना है के केस में फिर आपको उसके लिए आपको फिर वेट करना है फिर आपके मिनिस्ट्रियल साइकिल आने के पीरियड आने के पांचवें दिन से फिर टेबलेट आपको स्टार्ट करनी है लेकिन सेंट क्रोमन केस में नॉन के केस में आपको ऐसा नहीं है इसको पर डे नहीं लेना है इसको वीक में एक टाइम लेना है लेकिन स्टार्टिंग के थ्री मंथ आपको वीक में टू टाइम्स लेना है और वो जो लेने का टाइम्स है वो जब जिस दिन आपका पीरियड स्टार्ट हो मिनिस्ट्रियल साइकिल स्टार्ट हो उस दिन लेना है फर्स्ट डे फिर दो दिन का ब्रेक देना है और फिर उसके बाद लेना है यानी आपको प्रॉपर अंडर द गाइडेंस लेना है किसी प्रैक्टिशनर के थ्रू कि आपको वो बताएगा कि कैसे कैसे इस टेबलेट को आपको यूज करना है अदरवाइज इस ड्रग की इफ़िकसी में वो परसेंटेज नहीं रहेगी जो रिपोर्टेड है कि नाइन्टी परसेंट नाइन्टी सिक्स परसेंट नाइन्टी एट परसेंट ये आपके प्रेगनेंसी को करेगा नेक्स्ट वन है ये सेंट क्रोमिन जो डिजाइन की गई थी द्वारा डिजाइन की गई मार्केट में जो ड्रग्स है वो छाया अब क्वेश्चन उठ रहा है कि आपने स्टोरॉडियल ड्रग का जो साइड इफेक्ट है तो वो चलिए वो इफेक्ट आपके नहीं आएंगे तो इसका क्या इफेक्ट है आपका नॉन स्टोर साइड इफेक्ट का तो जो सबसे अच्छा साइड इफेक्ट है वो सबसे अच्छा साइड इफेक्ट क्या होता है इसमें जब आप नॉन स्ट्राडियल ओरल कंट्रासेप्टिव लेंगे तो नॉन स्टियल ओरल कंट्रासेप्टिव क्या करते हैं ये मिनिस्ट्रियल साइकिल को प्रोलॉन्ग कर देता है यानी जो आपका पीरियड्स 21 डेज में आते हैं वो पीरियड्स जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है तो पीरियड प्रोलॉन्ग होने से क्या आपको क्या इम्प्रूवमेंट आएगा पीरियड स्ट्रांग होने से चूँकि पीरियड के टाइम पर ब्लड लॉस होता है तो अक्सर लेडीज़ में एक एनीमिया की प्रॉब्लम आती है तो अगर वो ये नॉन स्टेराइडियल ओरल कंट्रासेप्टिव लेगा तो उसका पीरियड जो है वो एक प्रोलॉन्ग हो जाएगा तो उसकी वजह से जो ब्लड लॉस होगा वो कम होगा और ब्लड लॉस कम होने की वजह से एनीमिया का जो आपका इफेक्ट था वो भी आपका कम हो जाए तो अगर हम नॉन स्टेराइडियल ड्रग लेते हैं नॉन स्टोराडियल ओरल कंट्रासेप्टिव लेते हैं सेंटक्रोमन तो आपका ये भी आपका अच्छा इंप्रूवमेंट है कि आपकी एनीमिया की प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी सेकंड क्या है जो कभी कभी इस्टरॉयडियल ओरल कंट्रासेप्टिव में अगर आप यूज करते हैं तो इस्टोरॉडियल ओरल कंट्रासेप्टिव की वजह से जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर्स हो जाते हैं यानी जो एक पर्टिकुलर टाइम पे आते हैं वो टाइम पे आपकी रेगुलरिटी नहीं बनी रहती तो वो इरेगुलर्स इसलिए हो जाते हैं उसका क्योंकि आप जो, oh, जो इस्टोरॉयडियल में जो आप ड्रग ले रहे हैं ले तो आप हारमोन्स ही रहें तो उस हारमोन्स की वजह से आपके बॉडी में जो हारमोनल इनबैलेंस हो जाते हैं कौन से हार्मोन्स के इंबैलेंस होता है प्रोजेस्टिस्ट टेस्टो और आपका इस्ट्रोजन्स एफ एस एच और एल एच इन सारे हार्मोन्स का आपका इंबैलेंस होने की वजह से आप में जो है पीरियड्स इरेगुलर्स होते हैं लेकिन सेंट क्रोमस नॉन स्ट्रोडियल ड्रग्स है इसका हारमो इस ये सेक्स हार्मोन ये जो आपको हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं एफ एस एच एल एच उन पर ये कोई इफेक्ट नहीं डालते इसके वजह से आपका पीरियड जो है वो नॉर्मल्स रहते हैं ये एडवांटेज है आपका नॉन स्टेराइडियल कंट्रासेप्टिव का एक तो एनीमिया नहीं होगी क्योंकि पीरियड आपका प्रोलॉन्ग्स हो जाएगा दूसरा क्या है आपका जो इरेगुलर मिनिस्टर साइकिल्स है वो नहीं होगा दूसरा क्या होता है कभी कभी क्या होता है क्योंकि आप जो आपका हाइपोथैलमस है ये हाइपोथैलमस हार्मोन रिलीज करता है जीएनआरएच हाइपो यही जी एन आर एच जो है हाइपोथलमस गोनेडोट्रॉपिंग रिलीज हारमोन यही आपको मैसेज कन्वे करना है कि एफ एस एच और एल एच रिमूव करता है अब आप क्या करते हैं जब कंटिन्यूस आप ड्रग ओरल कंट्रासेप्टिव लेना शुरू कर देते हैं तो कभी कभी क्या होता है परमानेंट सप्रेस हो जाते हैं ये आपका हाइपोथलमस इस कंडीशन में आपका कोई भी सप्रेशंस नहीं होता हाइपोथलमस का आप जब आप यूज करेंगे नॉन स्टेरियल ओरल कंट्रासेप्टिव का सेकेंड वन अगर आप नॉन स्टरेडियल वोल कंट्रासेप्टिव आप बीच में बंद कर देते हैं तब तो कोई भी इसका विथ ड्रावल सिम्टम्स नहीं आएगा यानी आपका कोई भी इसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब आपको ये लगता है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करनी है उस समय आप ये नॉन स्टरेडियल टेबलेट लेना आप बंद कर दें और उसके बाद आप प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी लेकिन ये सारे इफ़ेक्ट जो है ये आपका स्टेरॉइडियल में नहीं है स्टेरॉइडियल में जब आप ओरल कंट्रासेप्टिव बंद करते हैं तो चूंकि बंद करने की वजह से चूंकि आपको वो आपका पीरियड जो इरेगुलर हो जाता है तो उस समय कभी कभी क्या होती है प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है तो ये एडवांटेज है आपका इस्टोरायडियल ओरल कंटासेप्टू में और नॉन स्टेडाडियल ओर कंटासेप्टू में इसीलिए एट प्रेजेंट टाइम मोस्ट ऑफ द फीमेल या मोस्ट ऑफ द फैमिली आर प्रिफर्ड टू टेकिंग द नॉन स्टेडाडियल ओलर कंटासेप्टू ड्रग्स एंड दी नॉनियर ओरसेप्ट मेनली नोन एज द सहेली या छाया एंड द साल्ट नेम इज देंट क्रोमन क्योंकि आपने फीमेल ओरल कंट्रासेप्टिव पढ़ लिया तो नेक्स्ट वन इज द मेल ओरल कंट्रासेप्टिव क्या कोई मेल में भी आपको ओरल कंट्रासेप्टिव ड्रग्स यूज कर सकते हैं तो यस सम ड्रग्स आर डिजाइन टू एक्ट टू यूज एज एज द मेल ओरल कंट्रासेप्टिव क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ जो है ओरल कंट्रासेप्टिव दिया हुआ है उसमें ये डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया कि फीमेल ओरल कंट्रासेप्टिव पढ़ना है कि मेल ओरल कंट्रासेप्टिव पढ़ना है तो चूंकि आपका ओरल कंट्रासेप्टिव है तो आपको मेल ओरल कंट्रासेप्टिव भी कुछ ओरल कंटरसेप्टिव के नाम आपको क्लियर होने चाहिए इसमें सबसे ज़्यादा जो ये टेबलेट फॉर्म में है ना कि कोई मैकेनिकल डिवाइस तो मेल मेल ओरल कंट्रासेप्टिव में आपको कोई भी मैकेनिकल डिवाइसेस के नाम नहीं लिखने हैं इसमें हमें केवल टेबलेट्स के नाम लिखने हैं जो मेल ओरल कंट्रासेप्टिव सबसे अच्छी जो यूज हो रही है मेल पिल्स आ रही है मेल पिल्स में आती है जो आ रही है वो आपकी गोसोपिल पिल जो है ये कॉटन सीड है यानी कपास से निकाला गया एक स्ट्राइट है अभी डिस्कस करेंगे कि इसका क्या फंक्शन है ये कैसे आपका मेल ओरल कंटरसेप्टू बिहेव कर सकती है सेकेंड वन कुछ हार्मोनल प्रिपरेशन भी आ गए हैं जैसे आपका फीमेल हार्मोनल प्रिपरेशन में आपने देखा होगा आपने प्रोजेस्टन और टेस्टोरान यूज किया था आ, उसी तरह आप मेल के केस में आप उसी का सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टोरॉन यूज करेंगे और टेस्टोस्टोरॉन का जो सिंथेटिक डरेवेटिव है वो है आपका डाइनोजल फ्री क्लियर के लिए अगर आप फीमेल ओरल औरल यूज करेंगे तो जो फीमेल के सेक्स हारमोन्स से है वो यूज करना है जब आपको मेल ओरल औरल यूज करना है तो जो आप मेल के सेक्स हारमोन्स से है वो यूज करना है यूज आपको हारमोन्सी करने हैं मैकेनिज्म इनका नेगेटिव फीडबैक रहेगा ठीक है हमारा जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि जो हारमोन्स प्रेगनेंसी को हेल्प करता है वही हारमोन्स प्रेगनेंसी को प्रिवेंट भी करेगा नेक्स्ट वन है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गोशोपिल गोशोपिल पॉलीफिनाइल पॉलीफिनॉल है आइसोलेटेड फ्रॉम सीड्स रूट्स एंड स्टेम ऑफ द कॉटन प्लांट ये कपास से के सीड से या उसके रूट्स या प्लांट से आइसोलेट किया जाएगा और ये पॉलिफिनिक कंपाउंड है कंपाउंड का क्या मतलब है कि आप देख रहे होंगे ए वन टू थ्री फोर फाइव यानी पांच बेंजीन रिंग और सभी में आपका ये ओ एच ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है तो ये जो ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है इस ओ एच ग्रुप की वजह से इसका नाम पड़ गया फिनॉल और चूंकि नंबर ऑफ एरोमेटिक रिंग्स हैं तो ये हो गया आपका हो गया आपका नाम पॉलीफिन तो जो गोशिफिल्स है गोसिफिल गोसिफिल इसका नाम क्यों पड़ा तो सीपुर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो कॉटन की जो स्पीसीज है उसका नाम है गोसिपियम आपके माइंड में आएगा कि भाई इसका नाम कॉटन से पड़ा था कुछ और दूसरा नाम क्यों नहीं पड़ सकता था तो चूंकि ये कोशे गोसोपियम गोशोपियम जो कॉटन है उससे एक्सट्रैक्ट की गई थी तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया गोसेपिल और गोसेपिल जो है ये यू जो ये इसका ये है पॉलिफिनॉल है और इसमें जो येलो पिगमेंट है सिमिलर स्ट्रक्चर है आई वो फ्लोनाइड और ये कॉटन सीड ऑयल में भी प्रेजेंट होगा नेक्स्ट वन है गौसेपिल के क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इज इध नॉन स्टोरायडियल क्लियर है कोई स्टोरायडियल न्यूक्लियस है ही नहीं इसमें तो गौसेपिल आपका नॉन स्टोरायडियल ड्रग्स है आप इस स्लाइड देख सकते हैं इसमें इसके स्ट्रक्चर इस में कहीं भी स्टोरॉयड न्यूक्लियस नहीं है यानी आप तो ये नॉन स्टोराइडियल है गोशोपिल है कॉटन शीट से निकला है गोसोपिल नाम क्यों पड़ा क्योंकि गोशोपियम इस पीस से निकला इसीलिए इसका नाम पड़ गया गोसोपिल अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है गोसोपिल के जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है नॉन एस्टोराइडियल ड्रग्स है साथ में ये इंड्यूज कॉजेज ए जू स्पर्मिया मीन्स जो ये स्पर्म के जो, जो प्रोडक्शन जो फार्मेशन होता है वो उसको इनिविट करता है फिर सुन तो लीजिए गोसोपिल एफेक्ट हारमोस लेवल व डज नॉट इनिबिट द स्पर्म प्रोडक्शन एंड मोर्लिटी इन द मेल एनिमल्स एंड ह्यूमन इट एज एज कंट्रासेप्टिव बाय इनिबिट इन द एंजाइम सिस्टम दैट इफेक्ट द एनर्जी ऑफ मेटाबोलिज्म इन स्पर्म इन स्पर्मेट्रोजेटिक सेल्स मीन्स आपके मेल्स में जो स्पर्म का जो प्रोडक्शन है उसके प्रोडक्शन में इसका कोई रोल नहीं जितना स्पर्म बन रहा है उतना ही बनेगा स्पर्म के प्रोडक्शन को इनहिबिट नहीं करेगा स्पर्म की मोटेलिटी को इनिविट नहीं करेगा यानी जिसका जो उसका मोटैलिटी का जो स्पीड है वो भी वही रहेगी फिर ये इफेक्ट कहाँ करेगा ये करेगा उसके एनर्जी पे यानी जो उसका मोशन है उस मोशन को ये इनिविट करेगा उसके जो इनिविट करेगा जो एंजाइम है उसकी एनर्जी को इनिविट करेगा इसीलिए इसमें अगर आप इसको लेते हैं तो देयर इज नो एनी कॉज ऑफ ए जो स्पर्मिया मीन्स कि आपके जो इजाकुलेट्स होंगे उस इजाकुलेट्स में स्पर्म का अमाउंट उतना ही रहेगा जितना एक नॉर्मल विदाउट टेकिंग दिस ड्रग में रहेगा क्लियर है तो अक्सर ये बोलते क्या गोशोपिल्स जो है वो स्पर्म को प्रोडक्शन को इनिविट करता है तो आंसर है नहीं ये स्पर्म के प्रोडक्शन को इनिबिट नहीं करता ठीक है इसीलिए इसमें एजुस्पर्मिया के चांसेस नहीं हैं एडवांटेज क्या है नाइदर हारमोन है नॉर एंटी हारमोनल एक्टिविटी यानी अगर आप इस ड्रग को लेते हैं गोसोपिल्स में तो ये तो हारमोन शायद नहीं तो कोई भी इसमें हारमोनल्स या एंटी हारमोनल एक्टिविटी नहीं आएगी यानी अगर आप मेल कोई इसका यूज करता है तो कभी भी उसमें कोई हारमोनल डिसबैलेंस या हारमोनल्स के जो साइड इफेक्ट है वो आप में नहीं आएंगे डिसएडवांटेज क्या है डिसएडवांटेज ये है कि अगर कभी कभी अगर आप इसको अवॉइड कर जाते हैं लेना जब बंद करते हैं तब आप परमानेंट एजर्मिक पर हो जाता है आफ्टर सिक्स मंथ व्हाट इज द कंक्लूजन कंक्लूजन क्या है आपने ओरल कंट्रासेप्टिव पढ़ा ओरल कंट्रासेप्टिव में आपने फीमेल भी पढ़ लिया है आपने मेल भी पढ़ लिया है फीमेल ओरल कंट्रासेप्टिव ये सारी तीनों ड्रग आपकी फीमेल ओरल कंट्रासेप्टिव है और फीमेल ओरल कंट्रासेप्टिव ड्रग जो है स्टोराइडियल नेचरस है मेल ओरल कंट्रासेप्टू आपने जो पढ़ा वो गोशिफिल है और ये आपका नॉन स्टोराडियल क्या डिफरेंस दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंस है आपका ये स्टोराइडियल ड्रग्स है तो इसमें आप जो हारमोन्स यूज करते हैं वो हम आपका फीमेल हारमोन्स यूज करते हैं ये आपका ओरल कंट्रासेप्टिव जो है मेल का गोसोपिल ये नॉन स्टोराइडियल है तो इसका मतलब इसमें कोई भी इस्टोराइडियल न्यूक्लियस आपसेंट है तो मीन्स ओरल कंट्रासेप्टिव दो टाइप्स के हैं फीमेल ओरल कंट्रासेप्टिव मेल ओरल कंट्रासेप्टू फीमेल ओरल कंटासप्टू आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी स्टराडियल ओरल कंटासेप्टू ड्रग्स एंड नॉन इस्टराडियल ओरल कंटासप्टू ड्रग्स स्टोराइडियल ओरल कंट्रासेप्टू ड्रग्स आर फर्दर क्लासिफाइड मोनोफेजिक बाई टेबलेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ द डोज ऑफ प्रोजेस्टिड स्ट्रोजन नॉन स्टराडियल ओरल कंटा ड्रग में जो पढ़ना है वो आपका सेंट क्रोमन्स पढ़ना है सेंट डिस्कवर्ड स्टोराइडियल ओरल कंट्रासेप्टिव ड्रग्स में जो ड्रग्स आप पढ़ रहे हैं वो आपका नॉर्गेस्टिल लिबो नॉर्गेस्टील मीफो पढ़ रहे हैं मार्केट में ड्रग ड्रग्स आ रही है इसकी आ रही है माला डी मालायन अनवांटेड सेवेंटी टू पिल्स नाम से आ रही है ठीक है नॉन स्टोराइडियल्स में जो ड्रग्स आ रही हैं वो आपका सेंट क्रोमन्स और वो ड्रग्स आ रही हैं आपकी छाया और सहेली नाम से दिस इज द ओवरऑल ऑफ द ओरल कंट्रासेप्टिव ड्रग्स Okay, thank you so much.